वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग भी बहुत रैंडम है क्योंकि आजकल मेरे अंदर थोड़ी वाइब आ रही है ब्लॉग करने की, इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 10:17 और मैं ऐसे इसलिए देख रही थी कि मैं चश्मा नहीं पहना गाइस। तो 10:17 हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ दुकान पे अपने भाई का नाश्ता लेके। और गाइस सुंदरू मुझसे पहले ही बाहर भाग चुका है। गाइस आप सब पूछोगे कि मैंने ये एंकलेट कहाँ से ली, तो गाइस मैंने ली है राशि ज्वेलर्स से। गाइस आप भी जाए और राशि ज्वेलर्स से शॉप करें गाइस। ये गाइस मेरे को देख के जानबूझ के भागता है क्योंकि ये मुझे दो कौड़ी का नहीं समझता, नल्ला बेरोजगार छपरी ये मुझे समझता है, चप्पल चोर। जेब ले, आजा। अबे यार, मेरे पास तेरी नौटंकिया देखने का टाइम नहीं है, समझा तू? मेरे को दुकान में जाना है, चल तू यहीं रह, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बाय। सो गाइस फिलहाल मेरे पास सुंदरू की नौटंकिया देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। सो गाइस मोहल्ले वाले मुझे देख के हंस रहे हैं। और मजे की बात ये है कि मैं स्कूटी ऊपर ही भूल चुकी हूँ, तो मैं स्कूटी की चाबी लेके आती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी मैं कहीं जाऊँ और मेरी 2-4 बार ऊपर के चक्कर ना लगे। 10 बजे तक भी कोई भीड़ नहीं रहती यहाँ पे। मामा नमस्ते, मामा है। सो मैं पहुँच चुकी हूँ दुकान में। दुकान के वर्कर जो हैं वो झाड़ू मार रहे हैं, ये लोग पहले आ जाते हैं क्योंकि दुकान की साफ सफाई करनी होती है, इसलिए झाड़ू देखो गाइस इनका। तो ये लोग जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनको सफाई करनी होती है और मैं थोड़ा लेट आती हूँ क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है, इसलिए थोड़ा लेट मैं आती हूँ ताकि सब मुझे साफ सुथरा मिले। ये भी सेंटू मार रहे हैं। सो गाइस मैं अपने पवित्र कदम दुकान में रखती हूँ। अच्छा गंगाधर, अपने भी डालता है रहते इसको। धूप चल चुकी है दुकान पे। अंकल जीरो भाव देते हुए। तो आज का व्लॉग बहुत ही रैंडम व्लॉग है गाइस। सच बताऊं तो मुझे सिर्फ अपनी 200 रुपये दिहाड़ी से मतलब है, शाम कब होगी और कब दिहाड़ी मिलेगी गाइस। ये मेरी सीट है और ये टुंडरी है थोड़ी, और ये इसकी सीट है, ये भी थोड़ी टुंडरी है, बट कोई नहीं गाइस। तो अभी हम थोड़ा बातचीत कर लेंगे, उसके बाद आपसे इंट्रो करवाएंगे सबका। गाइस तो दुकान पे आए हैं मेरे हिमाचली नाना। हिमाचली टोपी पहनी है सिर्फ गाइस। मेरे नाना गढ़वाली हैं, ये हमारे कोवर्कर, इनको हमने। सो गाइस इट्स 12 PM और मेरा काम हो चुका है ख़त्म, जो भी शूट करना था मैंने एडवांस में सारा कुछ कर लिया है। अभी मैं बैठी हूँ, अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है मेरा। तो ये हमारा सहपाठी है, कोवर्कर, क्या बोलते हैं, सह कार्यकर्ता प्रवेश। इसे दिन की 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 100 रुपये दिहाड़ी पे इसे रखा गया है और मेरे 200 रुपये दिहाड़ी, क्योंकि मेरे खर्चे इससे काफ़ी ज़्यादा है गाइस। बाकी अभी मेरा कोई काम नहीं है दुकान पे, नल्ली बेरोजगार छपरी चप्पल चोर हूँ मैं।
भाई से भी मिलते हैं सीधे जब मैं घर जाऊंगी खाना खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम होने ही वाला है। सीधे अभी घर पे मिलते हैं। गाइस मैं आई तो स्कूटी में थी, बट जाने के लिए मुझे कोई साधन नहीं मिला, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ रहा है, क्योंकि अंकल ले जा रहे थे स्कूटी, इसलिए मैं पैदल घर जा रही हूँ। गाइस अगेन शाउट आउट फॉर माई एंकलेट। गाइस ये मैंने ली है राशि ज्वेलर्स से। अगर आपको भी ऐसी नज़रिया वाली एंकलेट चाहिए तो आप भी राशि ज्वेलर्स के पेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप राशि ज्वेलर्स में आ सकते हैं और वहाँ से आप ये एंकलेट और भी बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। गाइस पदमपुर चौराहे पे आइए और लेके जाइए अपने मनपसंद चांदी व सोने के जेवर। अगर लड़का मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। बुलाओ पापा को, काट रहे पापा, बोलना इसको इधर है। ले 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 चल ले चल लाना पापा इसके लिए डंडा लाना, लाओ डंडा। इतना डरता है देखो गाइस ये डंडे से। सो मैं आ चुकी हूँ घर पे और मम्मी ने आज क्या बनाया है, आज मम्मी ने दूध बनाया है और दूध भात और दाल दूल नहीं बनाई। फुल पहाड़ी धूप पे बैठ के अभी वो खाएंगे ये माल्टे। रुक जाओ अभी जरा मैं हाथ वाथ धो रही हूँ। गाइस इट्स 4:45 शाम के और मैं आ चुकी हूँ दुकान पे। मैं थोड़ा मार्केट गई थी कुछ काम से, मुझे अपना सूट लेना था, वो लेके मैं आ चुकी हूँ। और हमारे को वर्कर कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैंने भी अपना काम कर चुका है जो गोल था आज का, तो बस फिलहाल बैठे दुकान पे, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। गाइस मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कैसे हटेंगे? गाइस जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, आ गई। गाइस दिहाड़ी मिलेगी, चलो दिहाड़ी दो। अरे यार गाइस दिहाड़ी के नाम पे धोखाधड़ी भी होती है कई जगह, तो जहाँ भी आप काम करें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और देख और क्या काम क्या करें। 100 रुपये गाइस पहले से मैंने एंटी मार चुकी है, इतना तेज है इसको पता है। चलो कोई बात नहीं, ओके गाइस बाय बाय, अभी घर चलते हैं। क्या संदूरू कहाँ है मेरा प्यारा बेटा, कितने सुंदर है। नो नो बस इसको चाहिए कि बस मुझे काटने को दो। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे और आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था मेरे लिए। आज का क्या मतलब सारे दिन ही हैक्टिक रहते हैं, जब मैं दुकान पे जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरी आई साइट वीक हो रही है, शायद इसलिए भी मुझे सर दर्द हो रहा है। बट अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है ये वाला, और उसके बाद मैं खाना खा के सीधे सो जाऊंगी। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके सो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।